सूर्य कुमार यादव पहली बार अपनी टीम को लेकर के ऑस्ट्रेलिया के सामने उतरते हैं और मानो पहले से पता होता है कि अगर आज सूर्या परफॉर्म करेंगे तो भी उन पर सवाल उठेंगे और अगर आज सूर्या परफॉर्म नहीं करेंगे दैट्स प्रीटी ऑब्वियस कि उन पर सवाल उठेंगे। और वो इसलिए क्योंकि जब टीम वर्ल्ड कप के लिए चुनी जा रही थी तो सूर्या का नाम शायद सबको ही फेवर नहीं कर रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि सूर्या से बेहतर विकल्प है हमारे पास, आपको सूर्या को रखने की जरूरत नहीं है, वहां पर शायद कोई बेहतर हो सकता है, बहुत तरह की बात हो रही थी, फिर सूर्या को चुना जाता है। राहुल द्रविड़ ये बात कहते हैं कि आपको एक मैच में वो चीज दिखेगी जो सूर्या के अंदर है, हर मैच में चलने वाला खिलाड़ी नहीं है, लेकिन जिस मैच में चलेगा वो उस मैच को कहीं और लेकर चला जाएगा। तो सुनने में ऐसा लग रहा था कि वो मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी है, क्योंकि याद कीजिए मैक्सवेल की वो 201 रन वाली इनिंग जहां पर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल घुटने टेक चुकी थी अफगानिस्तान के सामने। ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से अफगानिस्तान ने इस बार विनिंग स्प्री शुरू करी है वो खत्म नहीं होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम को हरा देंगे क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया, ऐसा लगा कि यार इस बार अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देगी। लेकिन वहां पर मैक्सवेल खूंटा गाड़े खड़े हो गए, 201 रन की पारी तब खेली जब ऑस्ट्रेलिया को 200 रन चाहिए था और उस टाइम 6-7 विकेट गिर चुके थे ऑस्ट्रेलिया के। तो जब सूर्य कुमार यादव की बात हो रही थी ओडीआई में तो ऐसा लग रहा था कि हमें वही सूर्य कुमार दिखेगा जो हम मैक्सवेल को देखते थे, आज एक टाइम पर जो हम महेंद्र सिंह धोनी को देखते थे कि अगर जल्दी विकेट गिर जाती थी तो आकर के वो पारी रोक लेते थे या अगर लास्ट में आते थे तो फिनिशर का रोल निभाते थे। लेकिन अफसोस ये हो गया कि सूर्य कुमार पूरे के पूरे सीजन में उन्होंने हाईएस्ट 49 और सेकंड हाईएस्ट 22, इससे ज्यादा रन नहीं किए। उसके बाद जब सेमीज में टीम आती है तो सूर्या एक रन लगाते हैं, हालांकि वहां पर ठीक ठाक रन बन गया था, जरूरत नहीं थी। और जब फाइनल्स में आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी सूर्य कुमार यादव की, वहां पर सूर्या नहीं चल पाते हैं। और उसके बाद जब T20 सीरीज के लिए इनका नाम दिया जाता है और कप्तान के तौर पर दिया जाता है तो सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सवाल थोड़े कम इसलिए उठते हैं, इनके फेवर में जवाब ज्यादा आते हैं क्योंकि ये T20 में नंबर 1 बैट्समैन है। अब जो सालों से बैट्समैन अगर T20 में नंबर 1 है लेकिन फिर वो ओडीआई में कहां गायब हो जाता है। कल भी T20 में एक बार और उन्होंने दिखाया कि वो क्यों नंबर 1 है। 40-42 बॉल खेल के 80 रन मार देना, 3-4 छक्के लगा देना, सामने वाले ऑस्ट्रेलिया को अपनी बल्लेबाजी से ये बता देना कि I am enough एंड I'm not the सेम गाई जो आप ओडीआई क्रिकेट में देख रहे थे। लेकिन उसके बाद बहुत तरह के मीम्स, बहुत तरह की स्टेटमेंट इन पर आ रही थी, जैसे कुछ स्टेटमेंट ऐसी थी कि आप सूर्या की इस फॉर्म को कैसे रोक सकते हो, तो जवाब ये आता है कि आप सिर्फ इन्हें ये बता दो कि ये ओडीआई चल रहा है। मतलब सूर्या खुद ब खुद डी फॉर्म हो जाते हैं, कुछ और दिखने लगता है। कल जिस तरह सूर्या ने टीम को लीड करा, जिस स्माइल से, जिस पॉजिटिविटी से उन्होंने रन बनाए और पूरी की पूरी टीम ने रन बनाए, एक बड़ा टोटल 200 से ऊपर का टोटल, पहली बार इतना बड़ा टारगेट चेज करा ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम के सामने, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम कमजोर पड़ रहे हैं। हालांकि ओडीआई वर्ल्ड कप में भी नहीं लगा था, पहले मैच में हमने उन्हें 199 पर ऑल आउट कर दिया था। लेकिन जहां पर सूर्या की जरूरत थी जब वहां पर काम नहीं आए, तो जब ये T20 सीरीज आती है तो ऐसा लगता है ये कुछ नया खिलाड़ी है। क्योंकि रवि शास्त्री ने बात करते करते कहा था कि सूर्या की इस फॉर्म को या सूर्या ने जिस तरह से खेला है इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे या इसको आप कैसे, इससे कैसे बचेंगे आप, तो हेडन का बड़ा अच्छा रिप्लाई आता है कि जी फॉर्म अच्छी है, रन अच्छे मारे, लेकिन 4 दिन बाद मारे, क्योंकि 4 दिन पहले वर्ल्ड कप था, अगर ये रन 4 दिन पहले आ जाते तो हो सकता है वर्ल्ड कप हमारे पास होता। खैर ये तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि सूर्य कुमार की फॉर्म बहुत अच्छी है। सूर्य कुमार ने एक बार फिर से बताया कि वो नंबर 1 क्यों है और आने वाली T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार ने अपनी दावेदारी पहले से ही पक्की कर रखी है, लेकिन इस इनिंग के बाद और पक्की हो गई है। लेकिन इसके बाद अभी लंबी सीरीज है, 5 मैच आपको, 4 मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलना है क्योंकि 5 की सीरीज है, 1 आप खेल चुके हो, फिर उसके बाद आप अफगानिस्तान से भी खेलोगे, साउथ अफ्रीका जाकर उनसे खेलोगे, तो इस पूरे दौरान में और फिर उसके बाद एक IPL का बड़ा कैंपेन भी है एंड देन आपके पास वर्ल्ड कप है, तो ये पूरा सीजन है ये बताने के लिए सूर्या को कि क्यों वो ODI में अगर नहीं तो एटलीस्ट वर्ल्ड कप T20 में अपनी पोजीशन डिजर्व करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई सूर्या T20 में उनका कोई जवाब नहीं है या फिर आप कोई और राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।